हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्टी वेस्टी। आई विश कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहें और घर में रह के ही अपने टाइम को एंजॉय करें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपने उन सेरेमिक मग्स की जिसमें हम लोगों ने बनाए हुए थे कल होल, और अब इन्हीं होल वाले मग को हमें बनाना है प्लांटर। तो ये अभी तो रफ से दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम लोग इनका करेंगे थोड़ा सा मेकओवर, और वही मेकओवर का आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और आप चाहें तो कुछ इस तरीके से करें या चाहें तो कुछ अपने तरीके से करें। मैंने कलर करने के लिए लिया हुआ है एक ये स्प्रे कलर, गोल्डन कलर का। आप चाहें तो इसमें कोई भी एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं या इनेमल पेंट भी कर सकते हैं ब्रश की मदद से। मेरे पास यही था तो यही मैं यूज कर रही हूँ। और स्प्रे कलर आप अगर कर रहे हैं तो इसको स्प्रे करने के पहले इसको अच्छे से शेक ज़रूर करें। मैंने शेक किया हुआ, शेक करने के बाद ही मैं इसमें स्प्रे करूँगी। ये मेरे गोल्डन कलर के दोनों मग्स हो गए तैयार। आप चाहें तो इनको ऐसे भी गोल्डन कलर में भी रख सकते हैं, बहुत ही क्लासिक लुक आएगा। और अगर चाहें तो इसके ऊपर कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। तो एक को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और एक में मैं बना लेती हूँ कुछ डिजाइन। अरे डिजाइन के लिए मैंने चुना हुआ, इसमें मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे से हार्ट्स बनाऊँ रेड कलर के। और ये छोटे छोटे हार्ट्स बनाने के लिए मैंने इस तरह के एक पेपर पे ये छोटे छोटे से पेन से ड्रॉ करके और सीजर से काट लिए। आप चाहें तो इनको इंडिविजुअली एक 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 करके या तो बना के पेंट करें, इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो बेटर होगा कि आप भी इसी तरीके से कर लें। और ये कागज़ की लेंथ भी मैंने अपने मग के साइज की ही रखी हुई है। और अब मैं इसके ये चारों तरफ रैप कर दूँगी जिससे कि जब मैं कलर करूं तो इसका कलर हमारा बाहर स्प्रेड होके ना जाए। ये पेपर आप अच्छे से टाइट करके इसको पर रैप करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्पेस रहेगा तो कलर आपका बाहर भी स्प्रेड हो सकता है। और ये टाइटली मैंने रैप कर दिया चारों तरफ पेपर। अब मैं इसमें करूँगी कलर, और इसमें भी कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्प्रे रेड कलर का। आप चाहें तो इसमें भी वही सेम चीज़ आप या तो ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ पे हमारा ये कटा हुआ पोर्शन उस पर कर दें, और चाहें तो इस तरह से कुछ स्प्रे करें। अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ जिससे कि हमारा ये कलर सेट हो जाए, और तब तक मैं इसके लिए चूज कर लेती हूँ कोई प्लांट जो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने लिया हुआ ये अपना बेगोनिया, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, और ऑलरेडी इसकी ग्रोथ हो गई है, इतनी सारी प्लांटर भी छोटा है मेरा, तो इसी से मैं कुछ स्टेम्स काटूँगी, क्योंकि ये पौधा हमारा बहुत ही आसानी से लगता है। आप कटिंग से बहुत ईजिली इसको लगा सकते हैं। आपके यहाँ भी अगर है तो अभी बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग लगाने का। अगर आपके यहाँ नहीं है तो अगर आपके पड़ोसियों के यहाँ हो तो आप उनसे दो चार कटिंग मांग सकते हैं। आपके दोस्तों के यहाँ हो तो उनसे दो चार कटिंग मांगिए और लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट।
और ये मैंने कुछ कटिंग्स ली हुई, नीचे की लिप्स मैं निकाल देती हूँ। और अब तक ये हमारा सूख चुका है तो इसका कागज़ भी मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे से हार्ट्स हो गए तैयार, लग रहा है ना खूबसूरत सा। तो बस अब हमारा ये छोटा सा क्यूट क्यूट सा प्लांटर हो गया तैयार। अब इसमें भरेंगे मिट्टी, और मिट्टी के लिए मैंने लिया हुआ ये कोकोपीट 60% और 40% है गोबर खाद। इस पर मैं कोई मिट्टी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि एक तो मग का साइज़ भी छोटा है और इस प्लांटर को हमारे मॉइस्चर पसंद है, और ये कोकोपीट जो हमारा काम करेगा तो हमारे मॉइस्चर को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखता है, तो पौधे हमारे बहुत ही इसमें अच्छे से ग्रो करते हैं। इसमें आप लगा देंगे अपनी कटिंग। और ये देखिए, प्लांट लग के हो गए बिल्कुल तैयार। देखिए ये छोटे छोटे से खूबसूरत से प्लांटर, लग नहीं रहा कि हमारे ये वेस्ट पड़े हुए मग थे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा इनका मदर प्लांट, और इस मदर प्लांट के छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से दो बच्चे हो गए तैयार। देखिए कितने दोनों बच्चे खूबसूरत लग रहे हैं अपनी मम्मा के साथ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप भी कुछ इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।